सब्सक्राइब करें टेक टू ग्लाइड चैनल को, बेल आइकन को भी दबाएं, लेटेस्ट वीडियो आपके लिए सबसे। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जियोफोन 3 को लेकर। जैसा कि आपको पता है जियोफोन 1 आया था, जियोफोन 2 आया था, अब उसके बाद आने वाला है जियोफोन 3। तो जियोफोन 3 के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, उसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा और कैसे ये फोन आपको मिलने वाला है और कब तक मिलेगा, सब कुछ आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं टेक टू ग्लैड चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आपको पता है पहले जियोफोन 1 आया था, उसके बाद जियोफोन 2 आया था। अब जियोफोन 3 जो आने वाला है वो एक फीचर फोन नहीं होगा, वो एक स्मार्टफोन होगा और इसमें आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और वो भी बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के अंदर। तो जो दोस्तों जो जियोफोन 3 आने वाला है, इसका एक यूएस की कंपनी है फ्लेक्स, उससे करार हुआ है मुकेश अंबानी जी का, जो कि 10 करोड़ फोन बनाने के लिए तैयार है। और इसका जो प्रोडक्शन होना है वो होगा चेन्नई के अंदर, चेन्नई के एक प्लांट के अंदर इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और ये आपको लगभग मार्च के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। फोन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस फोन के अंदर आपको 5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि HD प्लस रेजोल्यूशन का होगा। और इसकी जो बॉडी होगी आपको प्लास्टिक की देखने को मिल जाएगी और जियो की इस पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों साथ में इसके जो कैमरा होगा, फ्रंट कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और जो बैक कैमरा होगा सेकेंडरी वाला वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। और साथ में इसके आपके फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह देखने को मिल ही जाएंगे, सभी सेंसर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसमें आपको जो मेमोरी होने वाली है, इसमें आपको 1 GB की रैम मिलेगी, साथ में आपको 8 GB की स्टोरेज मिल जाएगी और स्टोरेज को आप एक्सपेंड कर पाएंगे। और इसमें आप एक माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को आपको मिल जाएगा, जो कि आपको अलग से स्लॉट देखने को मिलेगा। और इसमें आप डुअल सिम सपोर्ट मिलेगा, एक आप इसमें जियो की सिम लगा सकते हैं, साथ में एक अदर यूजर यानी एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जो भी आप चाहें उसको भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात थी। अगर दोस्तों और बाकी सारे जो स्पेसिफिकेशन इस फोन के निकल के आएंगे वो मैं आपको सब कुछ टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप जियो फोन से और भी सारे अपडेट पाना चाहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको जियोफोन 3 से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे वो सभी टाइम टू टाइम अपडेट कराऊंगा। और दोस्तों इस फोन का नाम हो सकता है जियोफोन 3 ना हो, जियो फ्लेक्स फोन भी हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी का जो कंपनी इसका निर्माण कर रही है उसका नाम फ्लेक्स कंपनी है, जो कि एक यूएस की जानी मानी कंपनी है और इसी के साथ इन्होंने करार किया है। और ये फोन आपको 2019 में देखने को मिल जाएगा और हो सकता है इसमें आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाए। और ये दोस्तों मुझे कंफर्म नहीं है, अगर कंफर्म होगा मैं आपको बता दूंगा कि इसमें 5G है या नहीं है, और 4G का सपोर्ट तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब दोस्तों बात की जाए इसकी प्राइस की, तो प्राइस दोस्तों बहुत ही एग्रेसिव होगी। जैसे जियोफोन 1 की थी 1500 रूपये, जियोफोन 2 की थी 3000 रूपये, और ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 1500 रूपये में देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही एक गजब की प्राइस रखी है इस फोन की। तो कौन नहीं जाएगा इस फोन को लेना यार। तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसकी प्राइस आपको कैसी लगी और इस फोन के लिए आप क्या वेट करने वाले हो। तो दोस्तों ठीक है, यही था इस वीडियो में, मिलता हूं आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।